गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द के एक और रूप की। अर्थ के आधार पर शब्दों के रूपों की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अनेकार्थी शब्द पढ़े, पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने बात की, एकार्थी से प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने इस शब्द का नाम पढ़ा, एकार्थी से प्रतीत होने वाले, यानी एकार्थी नहीं बोला है, एक अर्थ वाला, एकार्थी यानी एक अर्थ वाला। तो यहाँ पर ये जो शब्द जो एकार्थी से प्रतीत हो रहा है, जिनका एक अर्थ जैसे लग रहे हैं देखने में, वो शब्द क्या होते हैं, यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो मोटे तौर पर अगर ऊपरी तौर पर देखें तो हमें लगता है कि एक ही जैसे हैं, लेकिन उनकी वर्तनी और उनके अर्थ, यानी कि उनकी स्पेलिंग में और उनके अर्थ दोनों में ही अंतर होता है। मिलते जुलते कह सकते हो आप उन्हें, लेकिन उनके अर्थ में और प्रयोग में दोनों में ही भिन्नता होती है। तो ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं कि एकार्थी से प्रतीत होने वाले शब्द। अब यहाँ हम उनकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो ऊपरी तौर पर तो, ऊपरी तौर पर यानी कि दिखने में थोड़े से, जो ऊपरी तौर पर तो एक से लगें, परंतु उनके अर्थ एवं प्रयोग दोनों में अंतर हो, उनके अर्थ और प्रयोग दोनों में ही अंतर हो। अब यहाँ पर हमने क्या उदाहरण दिया है, अस्त्र और शस्त्र। अगर सामान्य भाषा में कई बार हम प्रयोग करते हैं कि भाई इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ है, हमारे लिए अस्त्र शस्त्र हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेपन्स, यानी कि हथियार, हथियारों का प्रयोग किया, हम दोनों को ही एक तरीके से मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र में अंतर है, उनके प्रयोग में भी अंतर है, उनकी वर्तनी, जैसा आप देख सकते हो कि दोनों में वर्तनी में अंतर है, एक आ से लिखा गया एक शा से, तो उनके अर्थ और प्रयोग दोनों में अंतर है। कैसे, हम देख लेते हैं। पहले बात करते हैं अस्त्र की। वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, हथियार होता है अस्त्र भी और शस्त्र भी हथियार होता है, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन दोनों के अर्थ में एकता होने के बावजूद भी कुछ अंतर है, दोनों की वर्तनी में भी कुछ अंतर है। जैसे कि हमने कहा अस्त्र, अस्त्र क्या हुआ, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, जिसे आप फेंक कर चलाते हो, अगर आपके हाथ में कोई भाला है आपने उसे फेंका तो वो क्या हुआ, अस्त्र। आपके हाथ में कोई धनुष है, आपने तीर चलाया उससे, बाण चलाया, तो वो क्या हो गया, अस्त्र। तो जो फेंक कर चलाया जाए वो हथियार, अस्त्र। शस्त्र किसे कह रहे, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए वो शस्त्र होता है। आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में गदा है, वो क्या होगा, शस्त्र। तो क्या हुआ अर्थ अस्त्र और शस्त्र का, कि अर्थ और शस्त्र दोनों ही क्या है, एकार्थी से शब्द है। क्यों, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है हथियार, वेपन्स, युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उसके बावजूद भी कुछ अंतर है, प्रयोग के आधार पर अंतर है। कैसे अंतर है, कि एक हाथ में पकड़कर चलाया जाता है जो कि अस्त्र है, जो एक हाथ से फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र, और एक हाथ में पकड़कर चलाया जाता है शस्त्र, और दोनों की स्पेलिंग वर्तनी में भी अंतर है। तो ऐसे वाले शब्द जो कि बहुत बारीक से, जो बहुत कम अंतर को दर्शाते हैं और एक जैसे प्रतीत होते हैं, वे एकार्थी से प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको हम कई बार गलत, उनका बिना अर्थ को जाने हम उनका गलत प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ हम उन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर 36 यानी कि 36 पेज नंबर पर इस प्रकार के कुछ शब्द दिए गए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के कुल 19 या 20 शब्दों की सूची दी गई है, 20 शब्द दिए गए हैं। एक का है नमस्कार यानी कि नमस्ते, और दूसरा है प्रणाम या अभिवादन। ये दोनों ही शब्दों में, जैसे सीता ने अपनी सखी को नमस्कार किया, और मैं सुबह उठकर सबको नमस्ते कहती हूँ, नमस्कार और नमस्ते दोनों ही एक जैसे लगते हैं आपको शब्द, दोनों का ही प्रयोग हम लोगों को आदर सम्मान दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन नमस्कार समान अवस्था वाले लोगों के लिए किया जाता है, जो आपके हम उम्र हो आपसे बड़े। फिर अगर नमस्ते की बात कहें तो आप अपने छोटों से कहते हैं। फिर आता है प्रणाम या अभिवादन, तो प्रणाम किसको किया जाता है, गुरुजनों को, बड़े लोगों को, गुरुजनों को हम करते हैं प्रणाम। अभिवादन किसको किया जाता है, आदर पूर्वक दर्शाने के लिए हम हाथ जोड़कर किसी के भी स्वागत के लिए खड़े हो सकते हैं, तो वो होता है अभिवादन। फिर हमने कहा अवस्था और आयु, अवस्था होती है दशा, कि उसकी अवस्था भी अच्छी नहीं है, और आयु, आयु यानी उम्र होती है कि उनकी उम्र कितनी है। फिर कई बार हम कहते हैं आज्ञा और आदेश में भी हम अंतर भूल जाते हैं, आज्ञा दी कि उन्होंने मुझे वहां जाने की आज्ञा दी, तो आज्ञा का मतलब होता है अनुमति, और वहां जाने का आदेश दिया, आदेश दिया यानी हुक्म दिया, तो दोनों में अंतर है। आज्ञा मतलब हो गया अनुमति, और आदेश मतलब हो गया हुक्म,
तो ये वाले शब्दों में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इन शब्दों को जानने के लिए आवश्यक है कि हम इनके शब्दों के अर्थ को जानें, जो कि यहाँ पेज नंबर 37 और 38 पर भी दिए गए हैं। इनके अर्थ को पढ़िए, क्योंकि अर्थ को पढ़ने के बाद ही आप उनके प्रयोग को समझ पाएंगे। बिना इन शब्दों के अर्थों को समझे आप उनके प्रयोग को सही प्रकार नहीं लिख पाएंगे। यही प्रकार के शब्दों से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है कि कहां पर कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना है, आपको शब्द चुनने के लिए कहा जा सकता है। इसीलिए आवश्यक है शब्दों से संबंधित पूरे अभ्यास को करना, और उसके लिए जरूरी है कि पाठ का अध्ययन कीजिए, वीडियो देखिए, परिभाषा को समझिए, उदाहरण को लेखबद्ध कीजिए और पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी शब्दों का अभ्यास सही रूप से पूर्ण रूप से करिए। साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। जितने आप शब्दों को जानेंगे उतनी ही आपकी भाषा परिपक्व होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।